उसका कोई थी नहीं, सारी अव्यवस्था है। अगर आप आईसीयू की बात करें तो वहाँ एसी काम नहीं कर रहे। आईसीयू के अंदर जो ऊपर पंखा कोई एक पेशेंट की टांग पे गिर गया, वो पेशेंट दमे की शिकायत लेके आया था, टांग तोड़वा के दूसरे वार्ड में गया। पेशेंट अपने घर से फैन लेके साथ में आईसीयू के अंदर आ गया। इस गर्मी के अंदर जहाँ इंसान गर्मी से पीड़ित होकर, गर्मी के कारण बीमार होकर आईसीयू में एडमिट हो रहा है, वहाँ पर भी एसी काम नहीं कर रहा। कूलर की व्यवस्था है, उसके अंदर पानी नहीं है। पानी है तो वो कूलर भी ऐसे हैं कि उसके अंदर कोई बच्चा गलती से हाथ डाल दे, खुले आगे वो ग्रिल नहीं है उसके, अगर उसमें हाथ डाल दे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। पंखे हैं चल नहीं रहे। एक जगह तो बिजली का बोर्ड खुला पड़ा है जहाँ कॉमन एरिया है, जहाँ पेशेंट के अटेंडेंट के बैठने की जगह है, वह बिजली का बोर्ड खुला पड़ा है। अगर कल को कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। बाथरूम की तो आप जाके कहीं भी किसी भी बाथरूम में अंदर चले जाओ, बाथरूम की कभी सफाई हुई ऐसा लगता नहीं है। इतने गंदे बाथरूम, नल है वहाँ नल टूटी नहीं है, पानी नहीं है, ब्लॉक हुए हुए हैं, दरवाज़ा नहीं है, लाइट नहीं है। फीमेल वार्ड के आगे वो महिलाएं तो इतनी परेशान हो रही हैं कि वो अंधेरा हॉस्पिटल में होते हुए उनको अंधेरे का इंतज़ार करना पड़ रहा है कि कोई गलती से आ नहीं जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए। उनको भी अंधेरा होने का वेट करना पड़ रहा है कि थोड़ा अंधेरा हो तो हम बाथरूम में जाकर यूज़ करें। इतनी बदतर स्थिति है, और लाइट की इतनी बड़ी समस्या है हॉस्पिटल के अंदर। एक्सरे करना हो तो लाइट नहीं है, बार बार लाइट जा रही है। अभी मैंने हॉस्पिटल के अंदर 2 घंटे के निरीक्षण में 4 बार लाइट चली गई। हॉस्पिटल के अंदर ये स्थिति है जहाँ जिले भर से मरीज आ रहे हैं इस इतनी गर्मी में। कहीं तो पानी नहीं है, कहीं टंकी से ओवरफ्लो हो रहा है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है। सफाई कर्मी है उसको कैन पे करती है। एक व्यक्ति के अंडर में 60 लोग काम करते हैं, 3 शिफ्टों में हैं, उनको 3 टाइम सफाई करनी चाहिए। हालत देखो, आपने सबने रिकॉर्ड किया होगा। उनसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ है सफाई कर्मी। पेमेंट हो रहा है, कागजों में हो रहा है, काम नहीं हो रहा। आम जनता को तो मदद नहीं मिल रही। अभी अगर हम कंपनी से बात करें कहीं से, वो कहेंगे हाँ साहब हम CSR फंड के तहत हॉस्पिटल में ये व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। वो केवल कागजों में है। कौन कौन कर रहा है सफाई? पेमेंट हो रहा है CSR फंड के नाम पे, कंपनी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन सफाई कौन कर रहा है? सफाई तो हो नहीं रही, कौन जिम्मेदारी लेगा? एक कहता है ठेकेदार के पास, दूसरा कहता है ठंगानी जी के पास, तीसरा कहता है खत्री जी के पास, चौथा कहता है PMO के पास। अल्टीमेटली कौन जिम्मेदारी लेगा? और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं AC ठीक नहीं है। नहीं भाई, उनका टेंडर है और वो आ नहीं रहा, कंपनी वाला नहीं आ रहा। अरे तुम्हारी ये मजाक लगा रखी है, पेमेंट करने वाले के हाथ में है, नहीं आ रही उसको ब्लैकलिस्ट करिए। क्यों उसके सामने देख रहे हैं? क्यों आप उसके मोहताज हो रहे हैं? क्यों दबे हुए उन कंपनी वालों से? क्यों दबे हुए उन ठेकेदारों से? क्यों नहीं उनको ब्लैकलिस्ट करते? कलेक्टर साहब, ADM साहब, सारे यहाँ लगातार चक्कर निकाल रहे हैं, लगातार निर्देश दे रहे हैं। हम यहाँ आ रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कोई सुधार हमें तो दिख नहीं रहा। आम गैलरी है जहाँ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के बाहर, आप ये सोचिए कि अंध जो मरीज़ है वो ऑपरेशन के बाद बैठा है, बाहर उसके अटेंडेंट बैठे हैं, वहाँ पंखे नहीं हैं। इतनी भरी गर्मी में वो बिना पंखों के बैठे हैं, पंखे लगे हुए ही नहीं हैं, वहाँ उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। मजाक बना रखा है इस हॉस्पिटल को। मैम आपने भी दो बार किया है, कलेक्टर ADM भी दौरा कर चुके हैं, उसके बाद की अगर व्यवस्था सही नहीं तो क्या वजह? देखिए ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और हमने संज्ञान में कलेक्टर साहब के भी बातें आई हैं, मंत्री जी से भी। अभी VC चल रही है, मेरा प्रयास ये है कि मैं उसी VC में अभी जाऊँ, उनसे बात रखूँ। हाँ, मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक इस बाड़मेर हॉस्पिटल की, देखिए इस चुनाव से पहले हम लगातार सरकार के संज्ञान में इस बात को ला रहे थे कि यहाँ की हॉस्पिटल की स्थिति बहुत ख़राब है। हम तो बहुत बड़ी डिमांड कर रहे थे कि यहाँ कैथ लैब आनी चाहिए, यहाँ MRI की मशीन आनी चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं महसूस हुआ था उस वक्त कि यहाँ तो पीने के पानी की भी समस्या आ जाएगी गर्मी के समय में। तो अब कहाँ कैथ लैब लाएंगे और कहाँ MRI लाएंगे जब ये बेसिक सुविधाएं यहाँ मरीजों को नहीं मिल रही? तो अब 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले भी सरकार के संज्ञान में मैं लाई थी, अब तो पूरी इसको पूरा बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके जनता को राहत मिलेगी। एक ICU वार्ड में अस्थमा की पेशेंट एडमिट हुई, गर्मी का समय था, अस्थमा का अटैक आ गया, ICU में उसको एडमिट किया गया, उसका इलाज चल रहा था, उसके पाँव पे पंखा गिर गया,
उसके फ्रैक्चर हो गया तो उसको आईसीयू से शिफ्ट करके और तो वार्ड में भेजा है। अब पता नहीं वहाँ वो उसका दमे का इलाज होगा या हड्डी का इलाज होगा। ठीक होने आई थी, एक बीमारी और ले ली। ये हॉस्पिटल की स्थिति है मैम, जो इमरजेंसी वार्ड है इसमें 7 से 8 ऐसी लगे हुए थे, आज ऐसी बात गायब है, तो आखिर ऐसी गए कहाँ? ऐसी गायब हो गई? ये तो अभी मैंने देखा नहीं है, कहाँ गायब हुए मुझे बताइए, अभी चेक करते हैं। वार्ड में 7 से 8 ऐसी लगे हुए थे। अच्छा, वो गायब हो गए? और आजकल तो वो ऐसी दिखाई नहीं दे रहे। इमरजेंसी अपन अब चलेंगे। इमरजेंसी अभी मैंने विजिट नहीं किया, देख लेती हूँ मैं।